दिस इज हाउ आई क्रिएट दिस एनिमेशन फॉर अ ब्रांड इन ब्लेंडर। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले इस सीन को क्रिएट करने के लिए सभी 3D मॉडल्स हम डाउनलोड कर लेंगे। तो इसके लिए हम गूगल पर सबसे पहले ट्री ब्रांच 3D मॉडल सर्च कर लेंगे। एंड यहाँ पे आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स देख सकते हो, इसमें से जहाँ पर भी आपको फ्री एंड अच्छी क्वालिटी का मॉडल मिल जाए उसे आप डाउनलोड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल स्केच फैब के अंदर आप यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांचेस के फ्री मॉडल यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद हम फ्लावर्स एंड ग्रास के मॉडल्स भी यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास बॉटनिक एडोन है तो आप उसमें से भी इन सभी को इम्पोर्ट कर सकते हो। सो अब सभी 3D मॉडल्स को डाउनलोड करने के बाद हम ब्लेंडर ओपन कर लेंगे। देन जनरल पे क्लिक करके इन सभी डिफ़ॉल्ट चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देंगे। देन हम सभी 3D मॉडल्स को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं। देन फ्लावर एंड ग्रास के मॉडल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड एम प्रेस करके हम इसको एक न्यू कलेक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम अपने प्रोडक्ट का 3D मॉडल भी इम्पोर्ट कर लेंगे। देन फटाफट से मैं यहाँ पे शिफ्ट ए के साथ एक कैमरा ऐड कर लूँगा एंड कंट्रोल ऑल्ट जीरो प्रेस करके इसको स्नैपटू व्यू में चेंज कर देंगे। देन इसको थोड़ा एडजस्ट करने के बाद फटाफट से हम रेंडर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके इंजन को साइकिल, डिवाइस को GPU कंप्यूटर पर चेंज कर देंगे। देन सैंपल्स को मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब क्योंकि हम एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे लाइट ट्रेस को डिसेबल कर दूंगा एंड परफॉर्मेंस डाटा के अंदर हम यहाँ पे परसिस्टेंट डाटा को इनेबल कर देंगे। एंड कलर मैनेजमेंट के अंदर मैं यहाँ पे इसको AGX में ही रहने देता हूँ एंड लुक को मैं यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट में चेंज कर दूंगा। देन आउटपुट प्रॉपर्टी पर क्लिक करके इसके रेजोल्यूशन को चेंज करके फ्रेम रेट को मैं यहाँ पे 30 FPS सेट कर देता हूँ। देन कैमरा की फोकल लेंथ को भी हम यहाँ पे 80 कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ब्रांच का मॉडल थोड़ा लो पॉली लग रहा है। सिंपली इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टू प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 लेवल का सबडिविजन सरफेस अप्लाई हो गया है। अब हम अपने सीन क्रिएशन का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शिफ्ट ए के साथ एक प्लेन ऐड कर लूँगा एंड इसको कुछ इस प्रकार से मूव कर दूंगा। देन यहाँ पे क्लिक करके हम विंडोज़ को स्प्लिट कर लेंगे ताकि इस पैनल में हम अपना सीन क्रिएशन का काम करें एंड यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू देख सकेंगे। सो फटाफट से मैं अपनी ब्रांच को सेलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से सेट कर देता हूँ एंड इसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को भी सेलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। सो अब हम अपने प्रोडक्ट के अंदर एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम 90 फ्रेम पर आ जाएंगे एंड प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके आई प्रेस कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे के प्रेस करके भी लोकेशन एंड रोटेशन के की फ्रेम ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना की फ्रेम ऐड हो गया है। देन फ्रेम 1 पर हम अपने प्रोडक्ट को कुछ इस प्रकार से मूव कर देंगे एंड यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है। तो अब हम अपना मेन इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ज्योमेट्री नोड का यूज़ करने वाले हैं, तो आप इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम ब्रांच को सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ क्लिक करके हम ज्योमेट्री नोड के अंदर आ जाएंगे एंड न्यू पे क्लिक करके न्यू नोड ऐड कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे क्लिक करके पिन कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारे फ्लावर्स एंड ग्रास के मॉडल्स हमारे ब्रांच के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तो इसके लिए हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस नोड ऐड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ब्रांच के मॉडल पर पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो अब इन्हीं पॉइंट्स पर हम अपने फ्लावर्स के मॉडल को असाइन करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपली इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स नोड ऐड कर लेंगे एंड फ्लावर एंड ग्रास का जो कलेक्शन है उसको यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे एंड इंस्टेंस को इंस्टेंस में कनेक्ट कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर्स एंड ग्रास डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब इसकी डेंसिटी को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, तो सिंपली मैं इसकी डेंसिटी को कम कर देता हूँ फॉर बेटर व्यू। फिलहाल के लिए मैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ से हाइड कर दूंगा। देन फ्लावर्स के स्केल को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ट्रांसफर ज्योमेट्री नोड ऐड कर लेंगे एंड इसके स्केल को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सभी फ्लावर्स एंड ग्रास के मॉडल एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इसको चेंज करने के लिए हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूट एंड इंस्टेंस के रोटेशन को कनेक्ट कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सभी मॉडल्स नॉर्मल्स की डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। देन सेपरेट चिल्ड्रन एंड रिसेट चिल्ड्रन को यहाँ से इनेबल कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सभी मॉडल्स यहाँ पे अच्छे से सेट हो गए हैं।
अब हमारे ब्रांच के मॉडल को भी यहाँ से वापस ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए सिंपली कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री का नोड ऐड हो गया है, जिससे हमारा ब्रांच का मॉडल भी वापस आ गया है। सो अब वापस से हम अपने फ्लावर एंड ग्रास के साइज को यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे एंड इसकी डेंसिटी को भी मैं बढ़ा देता हूँ। तो अब इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे एक एम्प्टी ऐड कर लेंगे एंड इसके साइज को मैं यहाँ पे डाउन करके इसको कुछ ऊपर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देन इसको हम ज्योमेट्री नोड सेक्शन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। सो इसी एम्प्टी के द्वारा हम अपने फ्लावर एंड ग्रास के साइज को यहाँ से कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे मैप रेंज नोड ऐड कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्टी की लोकेशन के द्वारा यहाँ पे ये इफेक्ट क्रिएट हो, तो इसके लिए हम सिंपली लोकेशन को वैल्यू में कनेक्ट कर देंगे एंड रिजल्ट को स्केल में कनेक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एम्प्टी को मूव करने पर ये इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। सो इसको थोड़ा और रिफाइन करने के लिए हमें अपने एम्प्टी की पोजिशन को बताना होगा। इसके लिए हम यहाँ पे पोजिशन एंड वैक्टर मैथ नोट ऐड कर लेंगे एंड इसको मैं यहाँ पे डिस्टेंस में चेंज कर देता हूँ। देन लोकेशन एंड पोजीशन की वैल्यू को कनेक्ट कर देंगे एंड डिस्टेंस को हम वैल्यू में कनेक्ट कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसको थोड़ा और रिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे कलर रैम्प भी ऐड कर लेंगे। इसके स्लाइडर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ एंड इसको हम इन वैल्यूज को चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एरर आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली इसको रिलेटिव में चेंज कर देंगे। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इफेक्ट अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन अभी फिलहाल में हमारे फ्लावर्स एंड ग्रास के मॉडल सभी सेम साइज के हैं, तो इनको थोड़ा रैंडम साइज देने के लिए हम यहाँ पे स्केल इंस्टेंस नोड ऐड कर लेंगे। देन रैंडम वैल्यू ऐड कर लेंगे, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज को चेंज करके हम अपने मॉडल्स को रैंडम साइज दे सकते हैं। सो अब हम अपने प्रोडक्ट को अनहाइड कर लेंगे एंड अपनी एम्प्टी को भी एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे 50 फ्रेम पर आ जाएंगे एंड एम्प्टी को थोड़ा ऊपर मूव करके यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट फ्रेम पर हम यहाँ पे एम्प्टी को नीचे मूव करेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी वैल्यूज को थोड़ा और चेंज कर लेंगे ताकि अपना इफेक्ट थोड़ा और रिफाइन हो जाए। देन यहाँ पे भी की फ्रेम ऐड कर देंगे। इनकी वैल्यूज एंड की फ्रेम की लोकेशन को थोड़ा और चेंज करके मैं अपने एनिमेशन को और रिफाइन कर लेता हूँ। देन इसके बाद हम अपने मैप रेंज की वैल्यू को भी एनिमेट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इफेक्ट कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो गया है। लेकिन अभी फिलहाल में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फ्लावर्स के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इनमें मूवमेंट ऐड करने के लिए इनकी रोटेशन की वैल्यू को एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए रोटेशन इंस्टेंस नोड ऐड कर लेंगे एंड एक नॉइज टेक्सचर भी ऐड कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। देन 3D को मैं यहाँ पे 4D में चेंज कर दूंगा एंड W की वैल्यू को चेंज करने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फ्लावर्स के अंदर यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। सो इसी को हम यहाँ पे एनिमेट करेंगे। तो मैं इसकी नॉइज टेक्सचर के स्केल को यहाँ पे 1 कर देता हूँ एंड इसकी W की वैल्यू पर हम फटाफट से की फ्रेम ऐड कर देंगे। सो फाइनली हमारा एनिमेशन का काम यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है। सो इसके बाद हम अपने सीन के अंदर यहाँ पे फटाफट से लाइटिंग ऐड कर देते हैं। तो सिंपली शिफ्ट ए के साथ मैं यहाँ पे एक एरिया लाइट ऐड कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पे ऊपर मूव करके कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेंगे। देन इसकी स्ट्रेंथ को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। देन हम अपने प्लेन को थोड़ा पीछे मूव कर देंगे। देन इसी एरिया लाइट को सिलेक्ट करके मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। देन इसको नीचे से हम अपनी हाईलाइट क्रिएट करा देंगे। देन इसी को डुप्लीकेट करके हम अपने प्लेन पर भी इसको फोकस करा देंगे एंड इसकी स्ट्रेंथ को यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। अपने सीन को थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए मैं यहाँ पे एक गोबो भी ऐड कर लूंगा एंड इसकी स्ट्रेंथ एंड लोकेशन को यहाँ पे चेंज कर लेंगे एंड इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर देंगे। तो अब फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरा सीन यहाँ पे रेडी हो गया है। सो इस प्रकार से हम किसी भी ब्रांड के लिए काफ़ी अच्छे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके बाद अगर आपको और भी एनिमेशन के ब्रेकडाउन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो रेडी कर दूंगा। So that's all. I hope this video is helpful for you. Enjoy your creativity. Keep learning. Keep growing. Thank you for watching.